आज महाराजा हरि सिंह जी के पार्क में आए हैं। यहाँ पे जम्मू जिला और जम्मू महानगर के सब जो जिले हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे जो शहीद थे जिन्होंने बलिदान दिए थे, आज हम लोग पिछले एक महीने से उनके घरों में जाके उनके परिवारों से हमने मिट्टी एकत्रित की। यहाँ के लोगों के भी परिवारों की से मिट्टी ली हम लोगों ने। आज कलश लेके हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। अब हम आगे गुलशन ग्राउंड जाएंगे, वहाँ पे सारे कलश एकत्र करके ये दिल्ली जाएंगे। पूरे देश भर से कलश वहाँ पे आएंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी और जेपी नड्डा जी जो हमारे अपने अध्यक्ष हैं हमारे ऑल इंडिया के, इनका आह्वान था कि हम लोग वहाँ पे कर्तव्य पथ के ऊपर एक वाटिका बनाएंगे जिसमें हम इस महोत्सव के तहत वहाँ पे हम पेड़ लगाएंगे और सारा देश इन शहीदों को याद करेगा। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर के लोग इस महोत्सव में निकले हैं। इसलिए यहाँ पे जो चेंजेस आई हैं 370 के बाद, यही तिरंगा दिखलाता है। जम्मू जिले की तरफ से हम सब नेतृत्व ने जो है मंडलों से इकट्ठा करके जो है मेरी माटी मेरे देश के लिए हमने माटी इकट्ठी की है। हम नमन करते हैं उन शहीदों को, उन वीर सैनिकों को ना जिन्होंने शहादत दी, इतने सालों तक शहादत देते रहे और कहीं ना कहीं जो है इस देश को जो है एक सुरक्षा प्रदान करते रहे। आज उनके घरों से, हर एक के घरों से जो है हमने माटी इकट्ठी की है और खासकर उनको नमन करने के लिए, ताकि आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं वो उनके बलिदानों को समझ सके और उनके बलिदानों के बारे में जो है आगे आ सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो हमारा कर्तव्य पथ है उसके ऊपर एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जहां पर ये सारी घरों से ली हुई मिट्टी जो है वहां लगाई जाएगी और 75,000 जो पौधे हैं वहां पर लगे जाएंगे और खासकर शिलाएं जो है वहां पर लगाई जाएंगी। उन शहीदों को नमन किया जाएगा जिन्होंने 70 साल तक यहां पर अपने देश को एक जुट रखने में, इसकी अखंडता के लिए, इसके बॉर्डर्स के लिए जो हमेशा से अपने शहादत दी है, उन सबको नमन है। उन सबको हमारा बहुत बहुत हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सारे जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के जितने भी कार्यक्रम लोग हैं, जितने भी मंडल के लोग हैं, सारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं मेरी माटी मेरा देश के तहत। आज जितने भी शहीदों की घर से माटी ली है, जितने भी लोगों की घर से माटी ली है, जितने भी हमारे जो जितने भी सैनिक हमारे भाई हैं उनके घर से माटी ली है, यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं माटी लेकर। और आज या कल में ये माटी इंडिया गेट जाएगी, राजधानी जाएगी और यहाँ पे वहाँ पे हमारी जो एक वाटिका बनेगी इंडिया गेट में, एक स्थान है वहाँ पर शहीदों के लिए और जो भूमि के लिए वाटिका बनाई जाएगी और वहाँ पे मेमोरियल ऐसा बनाया जाएगा जिसको देख के सारे जो हमारे आगे की जो पीढ़ियाँ हैं वो इनको नमन करते हुए ये याद रखेंगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कि हमारी जो शहीदों ने जो अपने देश के लिए जाने दी हैं उसकी आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की जो सोच है, जो उन्होंने सोचा शहीदों के लिए और जो हमारे लोगों के लिए, जो सारी जितनी भी माने हमारी घर के जितने भी देश के लोगों की मिट्टी थी उनको एकत्रित करके वहां पर जो वाटिका बनाई जाती है उनको हम नमन करते हैं और उनको सारे जो हमारे जितने भी हमारी पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको देख के वो प्रेरणा लेंगी
और वो भी हमने करेंगे और आगे वो भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारे शहीद हैं उनके घर की मिट्टी कितनी हमारे लिए देश के लोगों की घर की मिट्टी कितनी आवश्यक होती है, इनको हमें नमन करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।